Dear students, so today class we are going to study about integrator and differentiator using op-amp. This is the last topic of you can say the application of op-amp. Op-amp का ये syllabus के according ये last application है जहाँ पे कि हमें integrator and differentiator circuit के बारे में पढ़ना है. Okay, and जैसा कि इंटीग्रेट बाकी सारे एप्लीकेशन हमने पढ़ा है चाहे एडर हो चाहे सब्ट्रैक्टर हो, सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है इंटीग्रेटर एंड डिफरेंशिएटर, और इसको आज की क्लास में हम लोग देखेंगे और कोशिश करेंगे इसको समझने की. तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास. सो माय नेम इज हरी मोहन राय एंड आई एम गोइंग टू टेक यू ऑन द टुडे क्लास अबाउट इंटीग्रेटर एंड डिफरेंशिएटर. सो लेट अस बिगिन. तो अभी पहला जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा इंटीग्रेटर के बारे में, यानी कि इंटीग्रेटर सर्किट, इंटीग्रेटर ऑप एम्प कह सकते हो. सो इंटीग्रेटर में जैसे हम लोग शुरू से सॉल्व करते हैं या जितने भी हमारे हम लोग लेक्चर पढ़े हैं उसमें हमने जिस तरीके से जो स्टेप फॉलो किया वो स्टेप यहाँ भी यूज करेंगे. तो पहला स्टेप में क्या होगा, डिफिनेशन हम यूज करेंगे. और लेट अस डिफाइन दिस फर्स्ट. ओके, सो डिफाइन दिस. सो इन डिफिनेशन एज यू नो इसका नाम क्या है, इंटीग्रेटर. तो इसका मतलब क्या होगा, ये एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट होगा जो कि इंटीग्रेट करेगा इनपुट को आउटपुट साइड में, है ना. सो द इंटीग्रेटर इज एन ऑप-एम्प सर्किट. इंटीग्रेटर इज एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट, ऑप-एम्प सर्किट which integrates the input at output side. यानी कि आउटपुट साइड में इनपुट को सर्किट इंटीग्रेट करता है, उसको हम लोग जनरली इंटीग्रेटर सर्किट. That means it performs mathematical integration operation at output side. कुछ भी लिख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये मीनिंग निकलना चाहिए कि जो एक सर्किट है ओपन सर्किट है जो कि इंटीग्रेशन ऑपरेशन परफॉर्म करती है आउटपुट साइड में इनपुट का, जो भी हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं उसको उसका वो क्या कर देता है, इंटीग्रेट कर देता है. ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं अब सेकंड स्टेप में. स्टेप वन में डेफिनेशन हमने देख लिया, सेकंड स्टेप में इसका सर्किट डायग्राम देखेंगे. तो देखेंगे सर्किट डायग्राम बाकी से अलग कैसे है. सो इंटीग्रेटर सर्किट डायग्राम में अगेन ऑप-एम्प का हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे जहाँ पे कि ये आर वन होगा, लेकिन जो हमें आउटपुट साइड में यानी कि जो फीडबैक पाथ होगा वहां पे आरएफ को हमने रिप्लेस कर दिया है कैपेसिटर से. अगर हमने यहाँ पे कैपेसिटर से रिप्लेस कर दिया तो ये बन जाएगा इंटीग्रेटर सर्किट. एज इट इज प्लस वन इज ग्राउंडेड एंड वी वन इज गिवन, यानी कि ये इंटीग्रेट तो करेगा लेकिन आउटपुट में क्या आएगा, इनवर्टेड आउटपुट आएगा. इनवर्टेड इन द सेंस प्लस का माइनस एंड माइनस का प्लस, इजंट इट. जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आपने किसी x को इंटीग्रेट किया तो माइनस dx इंटीग्रेशन ऑफ x के टर्म्स में आएगा, isn't it? So this is the integrator circuit. Practical integration circuit में एक resistance भी use हो जाता है, लेकिन ये ideal या कह सकते हो कि हम जो integrator circuit derive या पढ़ते हैं वो हमारा ये integrator circuit है. काफी basic है, थोड़ा सा differences है, यानी कि जो inverting amplifier है उसके feedback resistance को आपने feedback capacitor से replace कर दिया. Okay? So let us write down about circuit diagram also in 1 to 2 point. Yeah. So in the circuit diagram, the feedback resistance, back resistance, RF is replaced by CF and because of that it performs mathematical integration. Okay, mathematical integration
अगेन यहाँ भी हम लिखेंगे द इनपुट इज प्रोवाइडेड टू द, यहाँ भी इन केस में भी द इनपुट वी वन इज गिवन टू द, गिवन टू द इनवर्टिंग टर्मिनल, इनवर्टिंग टर्मिनल एंड नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल इज ग्राउंडेड, जस्ट लाइक इनवर्टिंग एम्पलीफायर. इनवर्टिंग एम्पलीफायर में आपको सिर्फ आर को रिप्लेस करना है, आर को सी से. सो इनवर्टिंग टर्मिनल इज द इनपुट वी वन इज गिवन टू द इनवर्टिंग टर्मिनल एंड नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल जो हमारा दूसरा टर्मिनल है उसको हम ग्राउंड रखेंगे, इज ग्राउंडेड एज शोन इन द फिगर, एज शोन इन द सर्किट डायग्राम. So, अब इसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, हम इसका एक्सप्रेशन देखेंगे कि इसको हम एक्सप्रेशन में सॉल्व कैसे करेंगे, यानी कि थर्ड स्टेप में एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट, यानी कि एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट. सो आउटपुट एक्सप्रेशन वी नॉट की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, सो वी नॉट निकालने के लिए यहाँ पे हमें जस्ट अ सेकेंड, वही फिर से दोबारा मैं सर्किट डायग्राम ड्रॉ करूंगा और इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. एक्सप्रेशन बहुत बड़ा नहीं है, जस्ट छोटा एक्सप्रेशन है. एज वी नो दैट जितने भी हमने सर्किट पढ़े उसमें कुछ दो चार पांच लाइन में आधे पेजेस में डेरिवेशन होता है. तो लेट अस ड्रॉ द सर्किट डायग्राम अगेन, हियर कैपेसिटर सी एफ एंड दिस इज हियर आउटपुट, वी वन इज हियर ग्राउंडेड एंड यहाँ पे जो हम इनपुट ले रहे हैं इसको मान ले रहा हूं मैं कि ये एसी इनपुट यानी कि वेरिएबल इनपुट हमने ये ले लिया है और इसको हमने V1 ऑफ T मान लिया. आप V1 लिख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जानबूझ के मैंने V1 ऑफ T माना ताकि आपको लगे कि ये वेरिएबल इनपुट है, ये वेरी कर रहा है. आप सिंपल V1 भी रख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. ओके सो यहाँ पे R1 और इसको हमने लिख लिया सी एफ. सो चलिए सॉल्व करते हैं इसको और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो जैसे कि हम लोग शुरू से करते आएंगे यहाँ, जब भी कोई इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें क्या करना होता है कि ये जो टर्मिनल होते हैं वर्चुअल ग्राउंड या वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं और हम केसीएल यूज करते हैं, यानी कि कोई भी इसके अंदर में करंट फ्लो नहीं होगी. यहाँ पे आई वन दिस इज नथिंग बट आई एफ और इन साइड दिस देर इज नो करंट विल फ्लो, इजंट इट. सो लेट अस बिगिन विथ. तो यहाँ पे हमें ये करने वाले हैं कि द इनपुट इज जो टाइम वेरिंग वी हैव, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, वी हैव कंसिडर्ड ए टाइम वेरिंग इनपुट, वेरिंग इनपुट वी वन ऑफ एज, ये आप सर्किट डायग्राम के टर्म में भी लिख सकते थे वहां पे जहां पे हमने V1 लिखा हुआ है, तो दैट इज नो इशू. बट यहाँ पे डेरिवेशन में एक्सप्रेशन में क्या करना, पहला स्टेप फर्स्ट स्टेप, आई एम जस्ट गोइंग टू चेंज दिस वन थोड़ा लिटिल बिट कलर सो दैट आपको समझ में. तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते थे, फ्रॉम द वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, फ्रॉम द जो पहले हम लोग अप्लाई करते हैं, फ्रॉम द वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट. सिर्फ दो ही कॉन्सेप्ट इसमें है, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट. क्या होगा वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से, कि पोटेंशियल एट A इक्वल टू पोटेंशियल एट B, और पोटेंशियल एट B जो ग्राउंड है जीरो है, तो इसलिए ये भी हो जाएगा आपका जीरो. नेक्स्ट सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, अप्लाई करते हैं KCL एट नोड A. सो अप्लाई हियर, अप्लाई KCL एट नोड A. तो अगर KCL नोड A पे हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, इनकमिंग करंट, यहाँ भी इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, यानी कि इनकमिंग करंट क्या है, इनकमिंग करंट I1 इज इक्वल टू आई एफ इक्वेशन नंबर टू. तो चेंजेस क्या होगा, अब चेंजेस ये होगा कि यहाँ पे तो रेसिस्टेंस के अक्रॉस करंट फ्लो हो रही है, तो हम लोग जानते हैं कि भाई जिस जिन दो वोल्टेज के बीच में, यानी कि वी वन ऑफ टी माइनस वी ए डिवाइड बाई वी ए, ये भी वेरिएबल मान के चलते हैं, वी एफ टी है मान लीजिए, और डिवाइड बाई आर वन हो जाएगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ आई वन. बट वट अबाउट आई एफ, आई एफ जो वैल्यू है वो कैपेसिटर के अक्रॉस फ्लो रही है, यानी कि इसकी ये जो है वो कैपेसिटर है और ये वोल्टेज इसको वी
ए और इस वोल्टेज को हमने वी आउटपुट माना, यानी कि इन दोनों के बीच में और करंट आई ए फ्लो हो रही है। तो आपको पता करना है कि क्या कैपेसिटर के अक्रॉस करंट सेम होती है जैसा वोल्टेज का, नहीं। तो कैपेसिटर के अक्रॉस करंट हम लोग कैसे निकालते हैं, जस्ट हम एक लाइन में देखते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप लोगों को पता होगा, मैं यहाँ पे जस्ट दिखा दे रहा हूँ, हमें पता है कि Q इज इक्वल टू C इंटू V होता है, ओके। और अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं दोनों साइड में, यानी कि मैं डी क्यू बाई यहाँ पे ले लूँ डी टी, टी के रिस्पेक्ट में, और इज इक्वल टू यहाँ, यहाँ पे हमने सी को कॉन्स्टेंट माना, कैपेसिटर की वैल्यू होगी, कैपेसिटेंस कॉन्स्टेंट होगी, तो ये भी हो जाएगा डी वी बाई डी टी। अब यहाँ पे dq by dt क्या होता है, i होते हैं, तो dq by dt को हमने i मान लिया, और is equal to c into dv by dt। तो ये होगा करंट की वैल्यू अक्रॉस द कैपेसिटर, यानी कि अगर यहाँ पे दो करंट va एंड v नॉट के बीच में फ्लो हो रही है, तो ये क्या चेंज हो जाएगा, i into cf और d डिवाइड बाय dt, और वोल्टेज की जगह पे क्या हो जाएगा VA माइनस V नॉट। बस यही चेंजेस है जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था, इसके अलावा कोई अलग इस डेरिवेशन में या इसके एक्सप्रेशन में कुछ अलग पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है, अब यहाँ पे लिखते हैं, सो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 फ्लो बिटवीन V1 टू VA, ये ग्राउंडेड का मतलब ही नहीं है क्योंकि इसके क्रॉस वोल्टेज है, इसलिए यहाँ पे ग्राउंड से कंफ्यूज नहीं होना आप लोग। अगर नॉट वेरिंग और V1 भी दिया रहेगा और इसके साथ ये ग्राउंड दिया रहेगा, तब भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, that the meaning is same. So यहाँ पे V1 से VA के बीच में, so I write V1 of t या V1 minus VA divide by R1. और IF किसके किसके बीच में, A से V0 के बीच में, तो C की जगह पे CF हो गया, CF इस equation से CF into D divide by DT and voltage is VA minus V0. This is equation number 3. Okay. So now, if you put these values, yani ki the value of A, VA in equation number 3, you will get, yani ki substitute the value of the VA is equal to 0 in equation 3, we get, hume kya milega? We get, ab equation change ho jayega. Ab yahan pe jo tha, V1 of T minus VA, to yahan pe VA 0 ho gaya. To kya mila sirf? V1 of t divided by R1 is equal to IF की वैल्यू CF dV not, यानी कि यहाँ पे CF into dV not by dt है, ये वाला पोर्शन, जस्ट अ सेकेंड। सो V not की वैल्यू को हमें क्या करना है, जीरो करना है, सो d by dt VA यानी कि जीरो माइनस V not divided by this, यानी कि नेगेटिव में आ गया, सो दैट कैन बी रिटन एज V1 ऑफ T डिवाइड बाय R1 इज इक्वल टू माइनस CF इनटू dV0 बाय dt। व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट, आपको V और नॉट निकालना है, लेकिन V0 में कहां पे है, डिफरेंशिएशन में है, तो इस डिफरेंशिएशन को अगर मुझे हटाना है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ले लेंगे बोथ साइड, दैट मींस इंटीग्रेट the equation number 4, क्या होगा, इधर इंटीग्रेशन लग जाएगा, तो क्योंकि R1 कांस्टेंट है तो हम 1 by R1 को यहाँ पे बाहर रख लेंगे, इंटीग्रेशन लग जाएगा V1 of T into dt के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे अगेन माइनस सी एफ है तो ये बाहर रहेगा, और इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा डी वी नॉट बाई डी टी इंटू डी टी। सुना, अब जस्ट टेक दिस इक्वेशन, यहाँ पे ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो गया, आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे इज इक्वल टू माइनस सी एफ इंटू वी नॉट, ठीक है, ये इंटू है, और इधर क्या मिला, वन डिवाइड बाई आर वन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ इनपुट जो आपने दिया था वी वन डी टी। सो इट, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे वी नॉट यहाँ पे निकालना है, वी नॉट की वैल्यू, सो वी नॉट इज इक्वल टू यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 1 divided by R1 into CF and integration of V1 of T into dt. So this is, you can see that ये जो output है वो input का integration है, तो ये हो गया आपका expression of integrators आके, okay? So इसका मतलब सिर्फ क्या changes था, दो changes, कैपेसिटर यानी कि जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है उसमें रेसिस्टेंस की जगह पे हमने कैपेसिटर अप्लाई कर दिया, और कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट होती है वो C इंटू डीवी बाई डी टी के बराबर होती है। तो बस इसके अलावा बाकी इसके डेरिवेशन में
या कोई भी अलग नहीं है। अगर मैं इसकी आउटपुट अगर वेवफॉर्म एक एग्जांपल दो, एक वेवफॉर्म का एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर हम कैसा इसका वेवफॉर्म्स आएगा, सो लेट अस सी द यहाँ पे आउटपुट वेवफॉर्म, एक वेवफॉर्म देख लेते हैं कि इंडिकेट करने के बाद इसका वेवफॉर्म कैसे होगा। तो सपोज करते हैं कि एक जो वेवफॉर्म्स है, एक वेवफॉर्म है इनपुट वेवफॉर्म, वो कुछ इस तरीके से है। ये हमने एक स्क्वायर या रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म जो भी कहें, ये आपने हमने ले लिया, इस वेवफॉर्म को कुछ इस तरीके से मान लिया, ओके, और इसकी वैल्यू को हम प्लस प्लस एक्स टू, एक्स को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं या कुछ और लेते हैं, प्लस वी टू माइनस भी कर देते हैं इसको, जस्ट अ मिनट, यस, तो इसको हम प्लस वी टू माइनस भी कर लेते हैं, सो दैट इज नथिंग बट प्लस वी टू माइनस वी, दिस इज वायरिंग, ओके। एंड ये आपका ऑफ कोर्स सिंपल सी बात है कि ये साइकिल हम लेके चलेंगे टी बाई टू, ये कंप्लीट साइकिल, ये थ्री टी बाई टू, एंड देन ऑफ कोर्स इट विल वेरी थ्री टी बाई टू एंड दिस इज टू टी। तो ये हो गया आपका इनपुट। अब अगर मैं इसका आउटपुट इंटीग्रेटर के हिसाब से अगर आउटपुट आप इसका चेक करें कि व्हाट विल बी द आउटपुट, तो अब देखें कि ये जो इसको इंटीग्रेट करना चाहिए, तो इंटीग्रेट आप बताइए, अगर आपके पास कोई वोल्टेज V है, V, V of T, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे T के टर्म में क्या बन जाएगा, ये VT बन जाएगा, क्योंकि ये माइनस लगा देता है, तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा माइनस और ये माइनस वी वाला क्या हो जाएगा प्लस। तो जो आपका इंटीग्रेटर बनेगा कुछ इस तरीके से, आई विल जस्ट चेंज लिटिल बिट द कलर हियर लाइक दिस। तो ये आपने वैल्यू लिया और ये टाइम एक्सिस है, यहाँ भी ये टाइम एक्सिस था, ये भी टाइम एक्सिस है, तो अब इस टाइम एक्सिस से ये पॉजिटिव जो प्लस वी है, इंटीग्रेशन के हिसाब से प्लस वी टी होना चाहिए था, बिकॉज यहाँ पे माइनस लगाया तो क्या हो जाएगा माइनस वी टी, तो यहाँ तक जो है इस पॉइंट तक ये क्या हो जाएगा माइनस वी टी हो जाएगा, सिंपल इस पॉइंट तक हो जाएगा माइनस वी टी, और फिर ये यहाँ से टी बाई टू से टी के बीच में क्योंकि माइनस है तो ये बन जाएगा प्लस वी टी, यानी कि ये चला जाएगा ऊपर की तरफ, कहाँ तक, यहाँ तक, और द सेम प्रोसेस विल बी रिपीटेड, यानी कि अगेन यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि इसका स्लोप हो जाएगा नेगेटिव और इसका स्लोप क्या हो जाएगा पॉजिटिव, सो दिस इज द रिपीटेड, यानी कि अगर मैं इसको इस तरीके से लिखें लाइक इन टर्म्स, तो ये एक्सिस हो गया और ये जो स्लोप है ये, यानी कि वी आउटपुट इज इक्वल टू माइनस वी इंटू टी हो जाएगा, isn't it? और अगर इस स्लोप की बात करें, यानी कि मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, इस स्लोप की बात करें तो ये V आउटपुट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस V इंटू टी हो जाएगा, क्लियर है? तो ये यही जो आपका ये टाइम, यानी कि ये आपका हो गया आउटपुट का इंटीग्रेशन। तो एक रेक्टेंगल, मतलब हमने स्क्वायर सर्किट को ये करके देखा, यानी कि जो इंटीग्रेशन जैसे परफॉर्म होता है उसी तरीके से ये भी परफॉर्म करेगा, यानी कि एक ट्रायंगुलर वेवफॉर्म प्रोड्यूस करेगा अगर आपने इनपुट में स्क्वायर वेव दिया है तो, क्लियर है? सो दिस इज द, जैसे इसका एप्लीकेशन आप कर सकते हैं, ढेर सारे एप्लीकेशन है इसका, एप्लीकेशन हम ट्रायंगुलर वेवफॉर्म में यूज कर सकते हैं बनाने के लिए, या एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में यूज कर सकते हैं, या लो पास फिल्टर में यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारे इसके एप्लीकेशन हैं। सो दिस इज द अबाउट इंटीग्रेटर सर्किट। अब आते हैं हम लोग सेकेंड स्टेप में डिफरेंशिएटर की तरफ। व्हाट इज द डिफरेंशिएटर, डिफरेंशिएटर तो लेटेस्ट, यानी कि डिफरेंशिएशन प्रोड्यूस करना चाहिए, तो इसका भी स्टेप में हम लोग फॉलो करें, और ऑलरेडी हम लोग ये जान चुके हैं कि हमें क्या करना है, सबसे फर्स्ट स्टेप में वी आर गोइंग टू डिफाइन इट, यानी कि डिफिनेशन में इसको डिफाइन कीजिए, अपने वर्ड में आप डिफाइन कर सकते हैं, देयर इज नो इशू कि जो हमें लिखा जा रहा है वही आपको लिखना है, जस्ट आपको ये होना चाहिए कि इट इज, यानी कि डिफरेंशिएटर इज एन ऑप एम्प सर्किट, डिफरेंशिएटर इज an op amp circuit which performs mathematical operation, mathematical differentiation, which perform mathematical what differentiation, okay, the mathematical differentiation at ऑफ इनपुट कर सकते हैं, कर देते हैं इसको, मैथमेटिकल डिफरेंशिएशन ऑफ द इनपुट, ऑफ द इनपुट एट आउटपुट साइड, एट आउटपुट साइड,
ठीक है, यानी कि ये एक सर्किट है, ऑपरेशन एम्पलीफायर सर्किट है जो कि मैथमेटिकल डिफरेंशिएशन प्रोड्यूस करता है आउटपुट साइड में। ओके, अब इसका सर्किट डायग्राम देख लें, इसका सर्किट डायग्राम कैसे होता है। तो इसका जो सर्किट डायग्राम होता है जस्ट रिवर्स होता है इंटीग्रेटर का, यानी कि आपको यहाँ पे जो इनपुट रेसिस्टेंस था R1 उसको कैपेसिटर से यहाँ पे हम रिप्लेस कर देते हैं। तो सर्किट डायग्राम में जस्ट लेट अस सी हियर, सो वी कैन सी दैट द सर्किट डायग्राम हियर। तो सर्किट डायग्राम आप देख के आपको पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है सर्किट डायग्राम में प्रीवियस यानी कि इंटीग्रेटर सर्किट के हिसाब से, क्या कि हमने एक्सचेंज कर दिया जो इंटीग्रेटर सर्किट था उसके हिसाब से हमने यहाँ पे RF को यानी कि फीडबैक रेजिस्टेंस एज इट इज रहा, जो इनपुट रेजिस्टेंस था R1 उसको हमने C1 से रिप्लेस कर दिया है। ओके, सो इसके बारे में लिख लें द टाइम वायरिंग इनपुट, यहां भी हम टाइम वायरिंग लिख सकते हैं, द टाइम वायरिंग यही पे इनपुट यूज कर ले रहे हैं, टाइम वायरिंग इनपुट इज गिवन टू द इनवर्टिंग टर्मिनल एंड non-inverting terminal is grounded, ठीक है, non-inverting terminal is grounded. Now, and in the second step, we can say that the resistance, input resistance R1 is replaced with the C1, isn't it? And the feedback resistance RF is as it is, isn't it? So, the input resistance R1 is replaced by C1 and feedback resistance RF, you can write in your own word, कोई जरूरत नहीं है कि ऐसे लिखना है, the feedback resistance RF is connected in feedback path, डायरेक्ट लिख देते हैं इसको बिटवीन की जगह पे, कनेक्टेड इन फीडबैक पाथ, ठीक है, सो द सिमिलर वे में इन फीडबैक पाथ एज शोन इन द सर्किट डायग्राम, ठीक है, सो दिस इज द सर्किट डायग्राम के बारे में हमने लिख दिया इन द सर्किट डायग्राम। सो हमने क्या किया, डिफरेंशिएटर सर्किट को हमने डिफाइन कर दिया, डिफरेंशिएटर सर्किट डायग्राम के बारे में हमने लिख दिया, अब इसका एक्सप्रेशन की तरफ चलते हैं। तो चलिए एक्सप्रेशंस को भी हम लोग एक बार ये कर लेते हैं, सो एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट यानी कि स्टेप्स सेम फॉलो होंगे सब जितना हम लोग अभी करते आएंगे, अंतर क्या होगा, सिर्फ डायग्राम में जो कैपेसिटर के अक्रॉस करंट होगी वो वैरी करेगी, यानी कि यहाँ पे जो आपने C1 रखा है, ओके, ये आपने V1 of T दिया हुआ है इनपुट की वैल्यू, रेसिस्टेंसेस RF जो है वो एज इट इज है यहाँ पे RF और V आउटपुट दिस वन एंड प्लस इज नथिंग बट ग्राउंडेड। सो अगर हम इसके डेरिवेशन की तरफ चलें, डेरिवेशन पॉइंट में, तो यहाँ भी करंट जो है वो I1 फ्लो होगी और ये करंट जो होगी फीडबैक करंट IF फ्लो होगी। अगेन द टर्मिनल A एंड ये टर्मिनल हमने B मानते आए हैं शुरू से ही, आप कुछ भी मान सकते हो बट दो टर्मिनल को हम मानते हैं वर्चुअल ग्राउंड के लिए, और इसके अंदर में हमेशा करंट जो होगी वो जीरो। ओके, सो पहला स्टेप क्या होता है इसको सॉल्व करने के लिए, तो फ्रॉम वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, और देख सकते हैं, सो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट टर्म पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू जीरो, क्वेश्चन नंबर वन, पहला स्टेप हमें अप्लाई करना है, एंड सेकेंड स्टेप में अप्लाई किरचॉफ्स करेंट लॉ एट नोड ए। सिंपल, यहां पे क्या होगा, करंट इनपुट करंट आई वन इज इक्वल टू आई एफ, और क्योंकि I1 यहाँ पे करंट C1 के अक्रॉस फ्लो हो रही है कैपेसिटर के अक्रॉस, पहले बता चुका हूं मैं कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट होगी ये कहां से कहां के बीच में है, V1 of T से लेके और ये VA के बीच में है, और यहाँ पे करंट I1 फ्लो हो रही है, तो वी नो दैट I इज इक्वल टू C इनटू dV बाय dt,
तो इसके अक्रॉस करंट क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू सी की जगह पे हो जाएगा सी वन डी बाई डी टी और वी की जगह पे वी वन ऑफ टी माइनस वी ए. दिस इज द ओनली डिफरेंसेस हियर. सो आई वन की जगह पे हमने क्या लिखेंगे हम सी, सी की जगह पे सी वन डी बाई डी टी और v, क्योंकि दो पॉइंट के अगर दो हमने पॉइंट मान रखा है यहाँ पे, सो v1 ऑफ t माइनस वी ए इज इक्वल टू, अब if की वैल्यू क्या होगी, करंट अक्रॉस द रेजिस्टेंस rf, तो डायरेक्टली हो जाएगा किसके किसके बीच में फ्लो रहा है, वी ए माइनस वी नॉट डिवाइड बाई आर एफ. ये इक्वेशन नंबर टू माना था हमने, इसको इक्वेशन नंबर थ्री मान लिया. अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन एंड थ्री क्या होगा, वी ए इज इक्वल टू यहाँ पे जीरो होगा. सो यहाँ पे पुट कर दीजिए सी वन इंटू डी बाई डी टी वी वन ऑफ टी एज इट इज हो जाएगा और ये वी वन की वैल्यू हो जाएगी जीरो इज इक्वल टू वी ए जीरो हो गया, वी ए इज जीरो हियर, सो क्या आएगा माइनस जीरो माइनस वी नॉट डिवाइड बाई आर एफ. वॉट यू नीड टू फाइंड आउट, वी आउटपुट. तो V output की वैल्यू क्या हो जाएगी, V output is equal to, जो RF यहाँ पे division में था यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस को हम इधर लेके चले जाते हैं, यानी कि माइनस C1 into RF and यहाँ पे differentiation of D by D2 into V1 of T. So this is the output of differentiator circuit. You can check. यानी कि इंटीग्रेटर एंड डिफरेंशिएटर जो सर्किट है हम लोगों ने इस क्लास में पढ़ा. और इन दोनों में क्या चेंजेस है, इंटीग्रेटर सर्किट में क्या है, जो फीडबैक रेजिस्टेंस है उसको फीडबैक कैपेसिटर से रिप्लेस कर दिया हमने इनवर्टिंग एम्पलीफायर में के केस में, और जो डिफरेंशिएटर के केस में क्या कर दिया, जो इनपुट कैपेसिटी इनपुट रेजिस्टेंस था आर उसको हमने कैपेसिटर से रिप्लेस कर दिया, और इसकी वजह से एक बन गया इंटीग्रेटर और दूसरा बन गया डिफरेंशिएटर. और आपको चेंजेस किस में करते हैं, इनवर्टिंग एम्पलीफायर में, दोनों के केस में हम इनवर्टिंग इनपुट ले रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे इन डिफरेंशिएटर एंड इंटीग्रेटर सर्किट. और ये एप्लीकेशन का लास्ट टॉपिक था, यानी कि ऑप एम्प एप्लीकेशन का ये लास्ट टॉपिक था. तो इसके बाद आने वाली क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे इन्वर्टिंग से लेके नॉन इन्वर्टिंग तक, और इसके बाद हमें चाहे यूनिटी गेन हो, चाहे वो एडर हो, सब्ट्रैक्टर हो, चाहे जितने सारे जो टॉपिक्स आ सकते हैं जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आते आए हैं उसके ऊपर हम न्यूमेरिकल करेंगे. तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ. थैंक यू.